नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अभी इस वीडियो में हम कक्षा 12 केमिस्ट्री यूनिट 10 का एक्सरसाइज का 10.3 क्वेश्चन सॉल्व करें, जिसमें आपको IUPAC नेम दे रखे हैं और उनसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए दोस्तों, जो इसकी पेरेंट चेन है उसको अटैक करो, उसकी पहचान करो। तो पेरेंट चेन कौन सी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होते हैं? तो यहाँ पर पेंटेन देखिए, सबसे ज़्यादा कार्बन वाला आपको दिखाई दे रहा है। तो पेंटेन का मतलब क्या है? पेंट का मतलब क्या है? पांच कार्बन, ठीक है, इसको अलग करो। उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? एन, यानी कार्बन कार्बन के बीच क्या है आपका? सिंगल बॉन्ड है। तो देखिए, पांच कार्बन यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, 1 2 3 4 5, इनके बीच क्या है आपका? सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद इनका है जो किसी भी एक तरफ से, एक साइड से नंबरिंग कर दो। उसके बाद देखो, 3 नंबर पे कौन आ रहा है आपका? मैथिल। मैथिल का मतलब क्या होता है दोस्तों? CH3। इसको मैथिल क्यों कहते हैं? एक कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों? मैथ। इसके पीछे YL जोड़ दो तो ये क्या बन गया आपका? मैथिल। 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरो, यानी आपका CL। ओके, आसान है। उसके बाद आप क्या करो, जो इसकी संयोजकता है कार्बन की, उनको है जो कंप्लीट कर दो। तो ये बन गया आपका इसका फॉर्मूला। इसको यदि आप एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, CH3, CH2, CH, इसके साथ कौन आ रहा है? CH3। तो इसको है जो कोष्ठक में ले लो। उसके बाद CH, इसके साथ कौन आ रहा है? CL, ये आपका CH3। ओके, आसान है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको दे रखा पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। तो आसान है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है कुछ, ये हो गया एक। अब हम बात कर रहे हैं दो की, ठीक है। बेंजीन में आपको दोस्तों तीन पोजीशन मिलती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। जो ऑर्थो पोजीशन होती है वो दोस्तों आपकी होती है 1 2, मेटा होती है 1 3, पैरा होती है 1 4। यहाँ पे पैरा पोजीशन में किसको किसको दिया गया है? ब्रोमो और क्लोरो को, यानी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। यहाँ आप Br ले लो और 4 नंबर पर क्या ले लो आपका? Cl ले लो। तो ये आपके पास क्या बन गया? पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। आसान है। बात कर लेते हैं अपने इस 3 नंबर की, इसमें सबसे पहले पहचान करो इसका जो मैन है, हेड कौन है, यानी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला की चैन कौन सी है, सबसे ज़्यादा कार्बन की चैन कौन सी है? तो यह है आपका साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका चक्रीय। हेक्स का मतलब है 6 कार्बन। क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है, देखिए हेक्स के पीछे एन आ रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अब इस पे है जो आप नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करने के बाद देखो कि इस पे क्या क्या जुड़ा हुआ है। 1 क्लोरो, यानी 1 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है आपका? Cl जुड़ा हुआ है, तो मैंने जोड़ दिया। उसके बाद ये बोल रहा है 4 एथिल। एथिल का मतलब क्या हुआ? देखिए, 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। इसके पीछे क्या जोड़ दो? YL। तो ये क्या बन गया आपका? एथिल। ये कौन से पोजीशन पर बैठा है? देखिए, 4 नंबर पर। ये C2H5 भी इसको लिख सकते हैं। देखिए, 5 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। ओके, तो इस प्रकार से अपना तीसरा भी हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी, इसमें आपको जो पेरेंट चेन दे रखी है उसमें देखिए क्या दे रखा है? ऑक्ट। ऑक्ट का मतलब क्या होता है आपका? 8 कार्बन। तो यहाँ पे 8 कार्बन ड्रॉ करूँ, एक, देखिए 8 कार्बन ड्रॉ कर दिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, अपनी नंबरिंग दे दो।
नंबरिंग देने के बाद देखो यहाँ पे आपका वन पोजीशन पे कौन आ रहा है, आयडो मतलब आई। दो नंबर पोजीशन पे क्या आ रहा है आपका, टू क्लोरो फेनिल। फेनिल क्या होता है दोस्तों, जब बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ पे एक फ्री बॉन्ड रहता है, यानी ये जब किसी के साथ जुड़ा हुआ है बेंजीन इस फॉर्म में। ओके, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, तो ये आपका क्या कहलाता है, फेनिल कहलाता है। और इसका नंबरिंग कैसे होता है फिर, यहाँ से जहाँ से जुड़ा हुआ है ना इसके साथ, वहाँ से शुरू करते हैं। तो ये दो नंबर पोजीशन आती है यहाँ, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है आपका, क्लोरो यानी सीएल। अब तो बस आसान है, कार्बन की जो आपकी संयोजकता हैं उनको कंप्लीट कर दो, आपका काम हो गया। इसकी देखिए एक दो तीन चार, इसकी देखो एक दो और दो बची हुई है। अपना लास्ट है, देखिए लास्ट से फर्स्ट है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको दोस्तों दे रखा है मेन संरचना में ब्यूटेन। तो ब्यूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, चार कार्बन। तो एक दो तीन चार कार्बन, उसके बाद नंबरिंग वन टू फोर। तो टू पे कौन आ रहा है आपका, ब्रोमो। उसके बाद तो क्या करना है आपको, इसकी संयोजकता पूरी कर देने कार्बन की। तो ये आ गया आपका टू ब्रोमो ब्यूटेन। इसमें देखो मैन कौन है आपका, हेप्ट। हेप्ट दे रखा है हेप्ट। हेप्ट का मतलब क्या होता है, सात कार्बन। तो सात कार्बन को यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ठीक है। सात कार्बन को ड्रॉ करने के बाद नंबरिंग दे दी। अब यहाँ से शुरू करो, तीन नंबर पे आपका कौन सा जुड़ा हुआ है, तीन नंबर पे आपका जुड़ा हुआ है आयोडो। तो यहाँ जोड़ दो आपका आयोडो। उसके बाद चार नंबर पे आपका जुड़ा हुआ है टी आर। टी का मतलब होता है दोस्तों आपका 3 डिग्री कार्बन, और ये क्या बनाता है आपका, ब्यूटिल। ओके, तो यहाँ पे टी आर टी ब्यूटिल दोस्तों ऐसा होता है, या तो इस संरचना को याद कर लो या इसको जो समझ लो कि यहाँ पे आपका जो ब्यूटिल है उसमें जो इसके साथ जुड़ रहा है वो कार्बन क्या है, 3 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ पे टी आर टी ई आर टी यूज़ किया है। ओके, तो ये आपका है जो इसका आ जाता है सूत्र, और यहाँ पे है जो इसकी संयोजकता है पूरी कर दो कार्बन की, चार चार संयोजकता। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, अगले क्वेश्चन में फिर मिलते हैं।